हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी वॉम वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट इज एडवांस पैटर्न क्वेश्चन सो हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर जो आपका है एक वीडियो इसके लिए हम लोग पहले कर चुके हैं और uh, वो वीडियो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए ठीक है ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव से आगे चल रहे हैं पैटर्न वही रहने वाला है ज्यादातर कॉन्सिक्वेंसिस वही रहने वाले हैं ठीक है? चलिए वर्कआउट करते हैं इसको अगर रो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर एंड सिग्मा है ब्रेकिंग स्ट्रेस देखिए इस क्वेश्चन में चीजें बिल्कुल फंडामेंटल है किया क्या गया है मेकअप करके थोड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन की गई है ठीक है नॉर्मली आप अगर देखो तो आप फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा अपॉन स्ट्रेन, ठीक इसको आप फर्दर एलेबोरेट करते हैं तो आप लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इसको फर्दर एलिबरेट करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं एम जी अपॉन एपॉन एल ठीक अच्छा अब M को हम लोग चाहें तो राधर देन एम के टर्म में हम इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है सो so, बस वही थोड़े से चेंजेस किए गए हैं द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन हैंग फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग ठीक होता क्या है एक वायर या स्ट्रिंग या रोप अपने वेट के कारण भी तो हैंग करती आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे दो पोल्स के बीच जो वायर रहते हैं खास करके हाई टेंशन वायर आप ट्रेन या बस से हाईवे पे ट्रेवल करो तो आप देखते हो, हो खेतों के बीच इन बिटवीन द फील्ड्स जो आ, कई सारे पिलर्स रहते हैं ना मल्टीफोल्ड पिलर्स जिसको कहते हैं तो वायर जो लगे रहते हैं वो वायर्स ऐसे करके होते हैं यू शेप में थोड़ा सा वो अपने ही वेट के कारण हैंग करते हैं ठीक और इन बिटवीन मिड जो है वो हैंक कर जाते हैं तो वही टाइप उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा लिया गया है और वहां भी जब पोल की डिस्टेंस डिफाइन की जाती है ना कि भाई एक वायर से दूसरे वायर के बीच में कितना मतलब एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कितना वायर यूज हो जाना है तो वो इसी बेसिस पे डिफाइन करते हैं अदरवाइज पोल की तो कॉस्ट ज्यादा है ना तो वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे लगाया जाए लेकिन वायर अपनी ही लेंथ के कारण ब्रेक कर जाएगा तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे है ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन हैंग फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग ठीक चलिए सॉल्व करते हैं आइडिया मैंने आपको बेसिक दे दिया तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट वेट अपॉन एरिया अरे अभी मैंने लिखा था स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए F को मैंने लिखा था एम जी एम जी को W ठीक सो स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस मच यानी कि इसे मैं डिफाइन कर सकता हूं स्ट्रेस इज इक्वल टू नहीं एक काम करते हैं तो गिवन ही है तो क्यों अननेसरली इसको एलबोरेट करें देखिए स्ट्रेस मुझे ये गिवन है ठीक बात इसको मैंने यहां पे लिख लिया इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेस अच्छा अब यहां देखिए थोड़े से चेंजेस के साथ में मैं कुछ कंसीडर कर रहा हूं आई होप आप लोग इसको रियलाइज कर ले जाएंगे समझ आया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है वायर के वॉल्यूम का मतलब हो गया लेंथ ऑफ वायर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया फिनिश ठीक तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा आ, ये तो कैंसिल हो गया ना इसके साथ में आ, रो जी ठीक तो जरा पिक करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रो और ये मिल रहा हो रो रो सॉरी सिग्मा अपॉन रो जी सो दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज गिविंग मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है

एंड ब्रास वायर इन द फिगर आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली पहले जरा हम लोग थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं देखिए एल स्टील एल स्टील अपॉन एल ब्रास इज इक्वल टू ए ऐसा कहा गया है ठीक है ना ऑफ लेंथ रेडियस आर स्टील अपॉन आर ब्रास बी ठीक है उसी तरीके से वाई स्टील अपॉन वाई ब्रास सी ये इस टाइप से कहने की कोशिश है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है आइए देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंस वुड बी हाउ मच अच्छा तो इसमें हमने लोड हैंग कर दिया तो अब मुझे यह पता लगाना है कि जो इंक्रीज इन लेंथ होगी वो कैसे होगी कितनी कितनी होगी उसका रेशियो क्या होगा ऐसे समझ लीजिए तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल ठीक तो यहां से अगर मैं लिखूं तो डेल्टा एल बराबर मैं लिखता हूं एफ एल अपॉन ए वाई ठीक अब आपके पास में ये एरिया लेंथ वाई ये सारा कुछ गिवन है ठीक है और रही बात फोर्स की तो वो हम लोग इसको जी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ठीक तो आइए जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का आएगा बट एनी वे नॉट अ डिफिकल्ट वन डेल्टा एल एस एस का मतलब है स्टील अपॉन डेल्टा एल बी मतलब ब्रास चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो एफ स्टील अपॉन एफ ब्रास अभी यहां पे जो मैंने लिखा था ना उसी का हम लोग रेशियो लेके चल रहे हैं ठीक है आ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एल स्टील अपॉन एल ब्रास इसी टाइप से हम लोग टर्म सारे इसमें रखते चलें तो ए ब्रास उल्टा हो जाएगा ना ए स्टील अब बचा क्या वाई तो वाई यानी यंग्स मॉडलर्स तो भाई ये आ गया ब्रास अपॉन स्टील ठीक चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज आपके पास सारी हैं अभी मैंने यहां पे लिखा ही था तो वैल्यूज हमारे पास सारी हैं तो ये आ जाएगा थ्री ए अपॉन टू बी स्क्वायर सी कैसे आया आफ्टर पुटिंग वैल्यूज आप में से अगर कोई ये सोच रहा हो कि एरिया का तो रिलेशन नहीं दिया है एरिया कैसे है तो आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा होगा पाई आर बी स्क्वायर और इसका रेशियो गिवन है ठीक है सो चलिए आंसर जरा देखते हैं तो थ्री ए थ्री ए थ्री ए अपॉन टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो भाई बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ठीक है सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़ा सा uh, मैं कहूंगा ट्विस्ट था क्वेश्चन में अदरवाइज कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था फंडामेंटल uh, ही था पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक <laughs> है लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर एट अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते है. है? तो हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं ठीक है जिनके लिए आ, यंग्स गिवेन है तो पहले वाले का यंग्स मटीरियल दूसरे वाले से ज्यादा है ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है और बीवन इज लेस है वो यंग्स मॉडलस है और बी क्या है नॉर्मल टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडलस से ठीक तो आप ये कह सकते हो कि बल्क सॉरी यंग्स मॉडल पहले मटीरियल का दूसरे मटीरियल से ज्यादा है लेकिन बल्क मॉडुलस पहले मटेरियल का दूसरे से कम है ठीक है होने दीजिए बल्क मॉड्यूल का मतलब हुआ कि मैंने उसको अगर किसी लिक्विड में सपोज डाल देना है तो चारों तरफ से एक फोर्स लगेगा उसकी रेडियस को कम करने के लिए अगर वो एक बॉल टाइप में है तो उस चीज की आ, आप कंसिडरेशन करें ठीक है देन वी कैन कंक्लूड दैट अब मुझे ये कंक्लूजन करना है कि कौन सा मटेरियल किस प्रॉपर्टी का होगा यह क्वेश्चन प्योरली कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन है ठीक तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है ध्यान देन इट इज रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छा अब जरा एक चीज सोचते हैं जिसका वाई ज्यादा होगा वो रेसिस्टेंस भी ज्यादा लगाएगा एलोंगेट करने में ठीक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचू तो मटेरियल दो जो है वो ज्यादा डक्टाइल होना चाहिए ठीक है ये कम है ना ब्रेक अच्छा दूसरा कि जो मटेरियल वन है वो ज्यादा मेलेबल होना चाहिए अब ये प्योर प्रॉपर्टीज हैं एज सच यू कैन नॉट अप्लाई एनी थिंग एल्स एनी ट्रिक एनी थिंग एल्स ओवर हियर आप सिर्फ इस चैप्टर की अगर लॉजिक को जानते हैं तो ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे तो इनके और इनके बेसिस पे कौन डकटाइल है कौन रिटाइल है कौन आपका मेलिएबल है ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फाइन सो एज सच यू कैन से दैट दीज क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट वन बट येस अपू सम एक्सटेंट You have to थिंक अपॉन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइन लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर nine. और इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने का जो मेन परपज है वो यही है कि जो बेसिक है ना वो आप थोड़ा सा पॉलिश करके रखिए क्वेश्चन नंबर नाइन अब यहां पे ये मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है अगर मुझे ये फॉर्मूले याद हैं तो मैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर दूंगा मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन बेसिकली मेन की कैटेगरी में आना चाहिए मेन एग्जाम की बट हो सकता है कभी ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए या आइडिया मेरा यह है कि इस चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ठीक है चलिए देखते हैं टेबल वन में जैसे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन गिवेन है फिर कुछ रेशियोज गिवेन है और टेबल टू में बेसिकली उनके ना यूनिट्स गिवेन है अगर टाइम हो तो इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है हम लोग रफ पे सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं उसको फाइट बट चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको जैसे कि मान लीजिए पहला वाला हम लोग लेते हैं स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन अब स्ट्रेस स्ट्रेन की बात अगर हम करें तो ये हमारा किस सीक्वेंस में आता है तो देखिए स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशनल वो होगी नहीं स्ट्रेस की होती है वही जो प्रेशर की होती है ठीक है तो ए वाले के लिए अगर मैं कहूं कि ए जो है उसका जूल अपॉन मीटर क्यूब करेक्ट है सोच लीजिए ठीक है फिर आता है बी बी में क्या है वाई ए बाई एल वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल। अच्छा तो क्या किया गया है y बराबर होता है f अपॉन अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल तो कहीं ना कहीं f और उसको कंसिडर करने की कोशिश की गई है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा b जो है वो q के टर्म में आना चाहिए a हो गया आपका r q ठीक आइए सी देखते हैं y इंटू एल क्यूब y का जो भी यूनिट है वो आप लिखिए और एल क्यूब यानी लेंथ के लिए एल का क्यूब करिए तो उस सीक्वेंस उसको अगर मैं देखूं तो c के लिए मैं कहूंगा कि p जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अब ये सारे कुछ आप रफ पे सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं ठीक है यहां नंबर तो मुझे याद रहेगा अगर आप मेरे को इसको दोबारा दो क्वेश्चन को तो मैं फिर वही काम करूंगा सॉल्व करूंगा है ना और फिर निकालूंगा अच्छा उसी तरीके से अगर आप डी को देखिए तो D का आप S कंसिडरेशन करिए M का ठीक मीटर चलिए एक इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या गया हालांकि ये पहला वाला चैप्टर याद है ना डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट्स मेजरमेंट वाला ये वही चीज की गई है जैसे कि मान लीजिए F है ठीक तो F का सॉरी 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 मैं हट जाता हूं हट जाता हूं डोंट वरी थोड़ा समय टेढ़ा हो के लिए इस वाले को देखते हैं F L अपॉन ए वाई अब आप सबका वो रख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला F का आपको पता है पार माइनस टू एल का पता है L A का पता है L स्क्वायर Y का निकाल लीजिए प्रेशर के बराबर सॉल्व कर दीजिए आपको जो बचे वही मार्क कर देना है सिंपल ठीक मूव फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन मैंने सडनली रखा हुआ है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन से अच्छा लगा यह क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा परेशान करने वाला है सोचिए <laughs> इस चैप्टर में भी कुछ परेशान करने वाले क्वेश्चंस पॉसिबल हैं ध्यान रखिएगा टू लाइट वायर्स ए एंड बी ठीक मेड अपम मटीरियल एंड रेडियस आर ए एंड आर पी नो प्रॉब्लम सिंपल सा फैक्ट है फोर्स एफ इज एम जी बाई थ्री ऐसे कोई फोर्स नीचे की तरफ लगाया गया वन ऑफ द वायरस ब्रेक अच्छा अब वो जो वायर ब्रेक हुआ उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स गिवेन है कि भाई आ, आ, ए वायर तब ब्रेक होगा जब रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी वायर बराबर होंगे ए तब ब्रेक होगा जब रेडियस ऑफ ए आ, बी से कम होगी आइदर ए और बी में ब्रेक इफ आर ए इज इक्वल टू टू आर बी चूंकि इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सा वायर टूटा है तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा ठीक है तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं स्ट्रेस देखिए यहां पे डायग्राम है यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रेस ऑन वायर ए ठीक ये जो वायर है इसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो है सिग्मा ए इज़ इक्वल टू एफ ए ठीक अपॉन एरिया तो पाई आर ए स्क्वायर ठीक अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कहूंगा कि एम जी प्लस एम जी बाई थ्री ठीक अपॉन पाई आर ए स्क्वायर फाइन इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिल जाएगा फोर एम जी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट विद दिस स्मॉल चौक फोर एम जी अपॉन थ्री पाई आर ए स्क्वायर ठीक है चलिए इस रिलेशन को हम लोग यहां लिख के छोड़ देते हैं फोर एम जी अपॉन थ्री पाई आर ए स्क्वायर खत्म आगे बढ़ते हैं <स्थाथ> <स्थाथ> चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले सेगमेंट में ठीक है सो स्ट्रेस ऑन वायर बी स्ट्रेस ऑन वायर बी वही चीज दोबारा ठीक इज इक्वल टू इसको जब मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा एमजी अपॉन थ्री पाई आर बी स्क्वायर ये मैंने उसी तरीके से सॉल्व कर लिया है एफ बी अपॉन ये किया क्या गया है कि ऐसे मैंने किया इसको एफ बी अपॉन यहां मैंने लिखा पाई आर बी स्क्वायर ठीक है और एफ बी की जगह मैंने रखा एम जी बाई थ्री चुकी मैं भी कर चुका था इसलिए मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट कर लेते हैं बट आई होप नाउ यू ऑल आर गोइंग टू बी मोर कंफर्टेबल तो ये निकला मेरा इतना ठीक तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ठीक है इसको भी मैं यही लिख लेता हूं जिससे मैं इधर खड़ा होकर आप लोगों को अलबरेट कर दू ये आएगा एम जी अपॉन थ्री फाइव आरबी स्क्वायर ठीक है लेट्स मूव ए ब्रेक्स इफ सॉरी ए वायर विल ब्रेक इफ आर ए और आर बी बराबर है क्लियर है कि ये होगा यानी ये ऑप्शन करेक्ट है ठीक है आपके सामने दिख रहा है ए ब्रेक इफारे अब बराबर होगा टूटेगा तो छोटा होने पे तो उसे टूट ही जाना है तो बी तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गया आइदर ए और बी में ब्रेक इफारे इज इक्वल टू टू आरबी हाँ अगर आर ए आपने थिक कर दिया है ना देखिए ध्यान से तब कोई एक टूटेगा अब वो कौन सा टूटेगा वो पता नहीं लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन ये है कि कम से कम इसकी रेडियस इसकी रेडियस की डब, आ, डबल होनी चाहिए द लेंस ऑफ एंड बी मस्ट बी नोन टू प्रोडिक्ट विच वायर विल ब्रेक नहीं जी कोई हमारी जरूरत नहीं है हम सिर्फ स्ट्रेस के टर्म में ही बात कर लेंगे ठीक है एफ अपॉन टर्म्स में सो दिस वॉज द डिस्कशन एसोसिएटेड विद दीस फाइव क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर hopefully you will try to get the message which i want to convey by means of discussing these questions please don't ignore even these type of simple chapters if you want to score a good rank in your itje advanced exam fine same thanks and best of luck to all of you from www.misoestudy.com. take care of yourself have a nice time